सरकारी नौकरियों से जुड़ी अफवाहें बड़ी जल्दी फैलती है। ऐसा ही कई खबरें सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर चल रही है। क्या सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटा दी जाएगी और क्या सरकार रिटायरमेंट की उम्र के नियम में कोई बदलाव करने की योजना बना रही है? इन सवालों के जवाब केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी रिपोर्ट वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की उम्र घटाकर 50 साल करने जा रही है। इस विषय पर भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने अपना पक्ष साफ किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि बीते कुछ दिनों से कुछ लोग इस तरह की जानकारी फैला रहे हैं, ये महज अफवाह है, इन पर ध्यान ना दें। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र घटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है, ना ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव किसी भी सरकारी स्तर पर बनाया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिटायरमेंट उम्र के साथ साथ सरकारी कर्मियों की पेंशन के संबंध में चल रही फर्जी खबरों की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह ऐसी खबर वायरल हो रही थी कि सरकार पूर्व कर्मचारियों की पेंशन में 30% कटौती करने जा रही है, साथ ही 80 साल के ऊपर आयु वाले लोगों का पेंशन बंद करने जा रही है। पेंशन को लेकर ये दोनों बातें पूरी तरह फर्जी हैं। सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, बल्कि 31 मार्च को सभी योग्य पूर्व कर्मचारियों की पेंशन उनके खाते में जमा कराई जा चुकी है। मंत्री ने ये भी कहा कि लॉकडाउन में परेशानियों को देखते हुए सरकारी अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट की अंतिम तारीख भी स्थगित कर दी गई है। जिमरान जरार खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।